एक्सक्यूज मी, बॉबी। बॉबी, आई एम ऑब्जर्विंग यू, यू आर फॉलोइंग मी। आई एम सॉरी, यू गॉट द रॉन्ग पर्सन। तुम पिलाकर पूछो तो भी बात वही है, बिना पिलाए पूछो तो भी बात वही है। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, और तू मूर्ख है, 100% मूर्ख। तू पागल है, 100% पागल। ये बात सच है। मुझे भी वो बॉबी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी उसे उस हाल में नहीं देखना चाहता। उसे लीसा ही रहने दो। आज से मैं अपने काम पे लग जाऊंगा, तुम लोग मेरे साथ चलो। पापा, पापा। ओह माय गॉड, बेटी तुम यहां अब आफ्टर लॉन्ग टाइम। बॉबी बेटा। पापा, वो आया है। कौन बेटी? अमर, उसका नाम लेने से भी मुझे घिन हो रही है। जब हम यहाँ इस शहर में आए थे तो मेरे दिल में बस एक ही बात थी, मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहती थी, पर अब वो इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं नहीं जानती वो यहाँ क्यों आया है। पापा प्लीज कुछ कीजिए, ही शुड नॉट फॉलो मी। उसका चेहरा देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे खुद से घिन होने लगी है। प्लीज पापा कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज पापा। अब मैं चलती हूँ। बोल भाई। दुनिया में एक ही चेहरे के साथ लोग रहते हैं, ऐसा तुमने कहा था। हाँ, ऐसा सुना था। Yes, you're right. But उसका बाप भी एक ही जैसा रह सकता है? What do you mean, man? पी कर बात कर रहा है। क्या मामा, बाप भी एक जैसा ही होगा क्या? चांस ही नहीं है। मैंने आज उसे देखा है, उसके पिताजी के साथ। She is Bobby. Confirm. अच्छा, अगर वो बॉबी है तो चलो इस बात को मान लेते हैं। अच्छा ही हुआ, टेंशन कम हो गई ना। अब ये बताओ कि आगे का स्टेप क्या है।
मैं यहां आया हूं, उसने आपको बताया होगा, ये बात मुझे पता है, और मैंने आप दोनों को साथ में देखा भी है, तभी मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस समय चुप था आपका रिएक्शन देखने के लिए। थो, कैसे इंसान है आप, मारने के लिए गुंडों को भेज देते हो, भाड़े के गुंडों को, बंदूक लेके आने वाले गुंडों से भी मैं नहीं डरता, मेरे पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये सीना मर्द का है। मैं यहां इसलिए आया हूं कि उस दिन उसने ऐसा कहा था कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी और वो देखकर मुझे जलन होगी, ऐसा उसने मेरे साथ चैलेंज किया था ना, लेकिन अब क्या हुआ सर, क्या किया आपने, मैं गरीब हूं इसलिए आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, और आज आपके पैसे ने आपकी बेटी के साथ क्या कर दिया, क्या हुआ सर उसकी लाइफ में। हम मैंगलोर से वेडिंग पार्टी खत्म करके स्विट्जरलैंड में शादी फिक्स करके हम लोग स्विट्जरलैंड आ गए, हम भी यहीं सेटल होना चाहते थे, शादी के लिए एक महीने का वक्त था, मेरी बेटी उस लड़के के साथ जुड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच बीच में वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। एक दिन वो उसे पैराग्लाइडिंग के लिए लेकर गया था, लेकिन किस्मत देखो वो हुक पहनना भूल गया था और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। शादी के लिए अभी 10 दिनों का टाइम था, लेकिन वो लड़का मर गया। फिर उसके बाद मेरी बेटी बहुत शांत हो गई। फिर जब भी देखो उसे, वो अकेली गुमसुम नजर आती थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी, घर में भी वो ऐसे ही रहती थी। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी, मैं उससे बात करने के लिए उसके रूम में उसके पास गया, वो चुपचाप बैठी हुई थी। बेटी देखो ना, जोरदार बारिश हो रही है, जाओ बेटी जाकर भिगो ना, मां से नहीं मिलना है क्या? नो। उस दिन मुझे बहुत शौक लगा। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरी पसंदीदा जगह पर आ जाओ। मैं उससे मिलने इंटरलेक व्यू पॉइंट पर गया। बॉबी बेटी, जिससे मैंने प्यार किया था उससे शादी नहीं कर पाई। Not the person you chose for me. No more marriages in my life, Papa. आज के बाद शादी की बात भी आप नहीं करेंगे। मुझे शादी नहीं करनी है, पापा। ठीक है बेटी। I'm sorry. Sorry. दुनिया बहुत बड़ी है बेटी। तुम्हें जैसे जीना है जियो। जो करना है वो करो। Live your life, बेटी। जहां रहो खुश रहो, ठीक है? दिन गुजरते जा रहा था। फिर एक दिन वो बोली, पापा मैं एक हॉस्टल ज्वाइन करना चाहती हूं। मैंने ये सोचकर हां कर दिया कि शायद वो कुछ दिनों के लिए आराम कर ले, लेकिन वो काफी दिनों तक घर नहीं आई। जब मैं उससे मिलने की बात करता था तब वो अपनी पसंदीदा जगह इंटरलेक व्यू पॉइंट पर मुझे बुला लेती थी। मैं वहां जाता था। जब मुझे उसे देखने का दिल करता था तो गंडवल वैली के पास सनसेट व्यू पॉइंट में मैं जाकर उसे देख लेता था। उसे कोई डिस्टर्ब करे पसंद नहीं था, इसीलिए मैं उसे कार में जाते जाते देख लेता था।
ज्यादातर समय वो चर्च में ही बिताती थी।